ओ चाचा दरवाजा दरवाजा। अभी भी हम लोग ऑफिस में हैं और इसने एक ब्लंडर कर दिया है। ब्लंडर ये किया है एम राइडर्स, उनका स्टोर का जो ओनर है इतना एटीट्यूड में है। एम राइडर्स बोल के जो शॉप है वेलिंगटन में, जहाँ पे स्टिकरिंग होता है जिस गली में, उस गली में एकदम कॉर्नर में, एकदम लास्ट में उसका शॉप है। मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, सो प्लीज यहाँ से आके कुछ भी मत लेना। बट अपसेट भी हूँ, हम लोगों ने पूरा छान मारा ऑफिस, पूरा घर आके छान मारा, बट नहीं मिला। कपड़े वपड़े सब कुछ देख लिया, कहीं नहीं मिला। नमस्ते सत श्री अकाल, कैसा है आपका हाल चाल। सो अभी सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं ऑफिस, और ऑफिस जाने के लिए आज काफ़ी ठंड है। ठंड लग रही है मेरे को क्योंकि मैंने हाफ जैकेट पहना हुआ है, तो इसलिए ठंड लग रही है। अगर फुल जैकेट पहना रहता तो हाथों में ठंड नहीं लगती। खैर आज सोच रहे हैं कि हम लोग वेलिंगटन जाएंगे, क्योंकि मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा है ये सामने का जो लुक है। क्योंकि जब मैं, मेरा जो विंडशील्ड और एक्सटेंडर जब था तो लग रहा था कि हाँ मैं कोई बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा लग रहा था सामने से। और अभी ऐसा लग रहा है कि मैं, आप लोगों को याद होगा, जितने सारे पुराने राइडर्स या बाइकर्स हैं उनको याद होगा, एक पुराना पल्सर था हमारा, 150 पल्सर था, 150 पुराना राउंड हेडलाइट का। तो मेरे को कुछ ऐसा ही लग रहा है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जाके पहले विंडशील्ड और विंडशील्ड का काम करा लूँ, और कुछ नहीं, विंडशील्ड का काम करा के स्टिकर का काम करा लूँ। क्योंकि अगर विंडशील्ड का काम हो जाएगा तो फिर मेरा एक्सटेंडर भी लग जाएगा, है ना जी। और सुबह सुबह बाइक चलाने में मज़ा तो आता है नो डाउट, लेकिन हाँ ठंड लग रही है हाथों में। और वैसे आज दोपहर का खाना घर पे होगा नहीं, आज दोपहर का खाना जो है हम लोगों को कहीं और करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं, मम्मी और पापा दोनों नहीं है, दोनों कहीं गए हुए हैं, तो इसीलिए तो नहीं, दोनों बुआ जी के घर गए हुए हैं, तो इसलिए खाना बाहर ही खाना पड़ेगा आज आफ्टर ऑफिस लंच। मैं लंच की बात कर रहा हूँ। ओ चाचा दरवाजा दरवाजा। उनका जो था पीछे का गेट खुला हुआ था, तो इसीलिए पीछे का गेट खुला होने की वजह से मैंने बता दिया। पीछे बुजुर्ग बैठे हुए थे, गिरवर ना जाए कहीं, गिरवर जाएंगे तो कांड हो जाएगा। और सोच रहे हैं कि हम लोग जाएं आज सूर्यवंशी देखने के लिए, क्योंकि आज टाइम है हमारे पास, और अगर आज नहीं जाएंगे तो फिर टाइम मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर आज सूर्यवंशी देख लिया तो कल वेलिंगटन जा पाएंगे, और अगर आज वेलिंगटन चले गए तो कल सूर्यवंशी जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया है नहीं, वैसे देख लेते कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, बट हाँ इतना श्योर है कि आज या तो वेलिंगटन होगा या तो सूर्यवंशी होगा। सामने आर्मी ट्रक्स जा रहे हैं और मेरे को काफ़ी पसंद है, जब भी देखता हूँ तो मन तो करता है खड़े होकर सैल्यूट करूँ, लेकिन रनिंग बाइक में अगर खड़े होकर सैल्यूट करूँगा तो फाइन लगेगा, क्योंकि ये जो है हाईवे नहीं है, ये शहर है। और आज सुबह सुबह ना सोया हुआ, ऐसे 4 घंटे ही हूँ, 4 घंटे भी सो के ऐसा लग रहा है कि भाई काफ़ी फ्रेश लग रहा है मेरे को, क्या बात है। इसने ऑफिस, अभी भी हम लोग ऑफिस में हैं और इसने एक ब्लंडर कर दिया है। ब्लंडर ये किया है कि इसका सोने का जो इयर रिंग है इसने ऑफिस में घुमा दिया है, सोना और डायमंड दोनों है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया। बहुत हम लोगों ने ढूंढा, मैं धृति और ये इसने हम लोग तीनों ने बहुत ढूंढा बट मिला नहीं, पूरा ऑफिस छान मारा नहीं मिला। तो अभी समझ में नहीं आ रहा, एक बार घर पे भी चेक करना पड़ेगा कि मिलता है या नहीं मिलता है। और मैंने सोचा था कि मैं वेलिंगटन जाऊंगा यहाँ से निकल कर, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि पहले वेलिंगटन जाऊं या फिर घर जाके पहले वो चेक करूं ईयर रिंग्स। और एक साइड का है, एक साइड का गया है, राइट हैंड साइड का है और लेफ्ट हैंड साइड का गया है। पता नहीं मिलेगा ये वाला नहीं, ये यहाँ पे एक आंकड़ा ये वाला है, ये वाला, और इधर का नहीं है, नहीं गिर गया। तो अभी यही प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं एक बार और ट्राई करेंगे, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर घर पे चेक करना पड़ेगा, और अगर घर पे भी नहीं मिला तो गई भैंस पानी में। अभी हम लोग जो हैं आए हुए हैं वेलिंगटन, और वेलिंगटन से आके जो मैंने हैं ये रियल विंडशील्ड दिखाना, अच्छा छोड़ो मैं दिखाता हूँ। तो ये विंडशील्ड मिल गया है रॉयल एनफील्ड का, और जहाँ से हम लोगों ने लिया एम राइडर्स, उनका स्टोर का जो ओनर है इतना एटीट्यूड में है, वो लगता है कि वो, मैं उसे उधार में मांग रहा हूँ कि भैया मेरे को 2-3 दिन के लिए दे दो और मैं आपको आके पैसे दे दूँगा, ऐसा उसका एटीट्यूड था।
तो गाइज आई एम सजेस्टिंग यू कि एम राइडर्स बोल के जो शॉप है वेलिंगटन में, जहाँ पे स्टिकरिंग होता है जिस गली में, उस गली में एकदम कॉर्नर में एकदम लास्ट में उसका शॉप है, मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। सो प्लीज़ यहाँ से आके कुछ भी मत लेना, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है लग रहा है कि वो हम पे दया कर रहे हैं। मन तो बहुत खराब है कि क्योंकि ये जो मेरा इयर रिंग्स है वो खो गया है, तो आई डोंट नो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घर पे भी जाके एक बार देखूंगी, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल वेट कर रही हूँ विक्रम का, क्योंकि वो गए हैं एटीएम से पैसे उठाने के लिए, तो यहाँ पे फोन पे नहीं चलता है, नो ऑनलाइन पेमेंट, सिर्फ कैश ही चलता है। भैया को पेमेंट करना है क्योंकि हम लोग स्टिकर बना रहे हैं, जो क्लैंप सिंह का जो हमारे बाइक पे लगेगा, जो आपका विंडशील्ड पे लगेगा, वो वाला स्टिकर हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। तो वी नीड टू पे कैश टू देम, इसलिए विक्रम गए हैं कैश उठाने, और मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम मन हो रहा है कि तब घर जाए जाके बस देखें, जस्ट अभी घर पहुंचे हैं वेलिंगटन से, और घर आके चेक भी करना था, तो घर का चारों कोना हम लोगों ने छान मारा, और क्या हालत किया घर का मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूरा बिस्तर उलट पलट कर दिया है, यहाँ पे ये, और एक चीज़ और की हम लोगों ने इस रूम का भी पूरा हालत जो है हम लोगों ने ख़राब कर दिया है। आई मीन सारे कपड़े वपड़े सब कुछ छान मारा, लेकिन इयर रिंग्स जो है वो नहीं मिला। ये हालत हो रखी है चारों तरफ, इस कोन मैंने किसी भी कॉर्नर पे नहीं मिला। अब पता नहीं, एक बार कल जाके फिर से ऑफिस में जाके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायमंड का इयर रिंग था, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इयर रिंग था, कैसा था, मैं सब दिखाता हूँ, बट वो अभी सिर्फ एक ही पीस पड़ा हुआ है, तो पता नहीं आगे क्या कर पाएंगे। आई मीन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग ऐसे ही ख़राब हो रखा है। तो पहले जो है फ्रेश हो जाते हैं, और फ्रेश होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इयर रिंग क्या था, कैसा था, सब दिखाता हूँ। मैंने जैसे बताया था कि मैं इयर रिंग्स दिखाऊँगा, पहले तो फ्रेश हो चुका हूँ, फ्रेश थोड़ा हूँ बट अपसेट भी हूँ, क्योंकि ये रिया का जो था वो फेवरेट इयर रिंग्स था, क्योंकि उसके पापा ने उसे गिफ्ट किया था, और ये जो इयर रिंग्स था ये वो 5 सालों से पहनती आ रही थी, उसने कभी भी नहीं उतारा, और आज पता नहीं ऑफिस में क्या हुआ। एक्चुअली ऑफिस में क्या हुआ कि जिस केबिन में मैं बैठता हूँ उस केबिन में मैं था, और धृति मेरे पास आई, तो वो क्या कि मैं फैल के सोया हुआ था। आई मीन सोफ़ा, एक बहुत बड़ा सा सोफ़ा है, मैं कल दिखाऊंगा अगर ऑफिस गया, अगर ऑफिस के अंदर व्लॉग बनाने का मौका मिला तो, मैं उस सोफ़े पे सोया हुआ था, और वो क्या कि मेरे आई मीन थाइस के ऊपर अपना सर रख के वो भी सो गई, और जब सो के उठी तो देखती है कि एक इयर रिंग्स नहीं है। तो हम लोगों ने पूरा छान मारा ऑफिस, पूरा घर आके छान मारा, बट नहीं मिला, कपड़े वपड़े सब कुछ देख लिया, कहीं नहीं मिला। मैं दिखाता हूँ वो इयर रिंग्स कैसा दिखता है। ये एक ही पीस बचा हुआ है, और ये जो है डायमंड का है, और यही डायमंड का इयर रिंग्स उसका फेवरेट था, और एक आज नहीं है, तो बेचारी बहुत अपसेट है, सोच में पड़ गई है, लेकिन हाँ इतनी ब्रेव है कि एक डायमंड का इयर रिंग जाने के बाद भी हंस रही है। और हाँ गाइज, आप लोगों ने जिस तरीके का प्यार वापस दे रहे हो, जिस तरीके का सपोर्ट वापस से दे रहे हो, जिस तरीके का ब्लेसिंग्स दे रहे हो, प्लीज़ ऐसे बनाए रखिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहे, और हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाते रहें। और बहुत सारी चीज़ों पर काम चल रही है, अपने आप को धीरे धीरे एडिटिंग में भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अपना सपोर्ट अपना प्यार प्लीज़ बनाए रखिएगा। तो फिलहाल गाइज जो है आज वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि पूरा हम दोनों का मूड अपसेट है। मैं दिखाता हूँ वो क्या बैठी, कैसे बैठी, तो वो काफ़ी अपसेट है, तो अपसेट होना जाहिर है, डायमंड का इयर रिंग्स गया। तो खैर कल मिलते हैं बढ़िया से किसी ब्लॉग में, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कुछ अच्छा लगे तो लाइक करना, कुछ बुरा लगे तो डिसलाइक करना, कमेंट भी कर देना, ताकि कमेंट में हमें अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ने को मिले। तो कल मिलते हैं।